16 श्रृंगारों में से मेरा भी आप लोगों की तरह सबसे फेवरेट है मेहंदी लगाना। तो मुझे तो बहुत ही पसंद है मेहंदी, भर भर के लगाना पसंद है। बट इस बार मैंने थोड़ी लगाई थी और मैंने घर पे ही मेहंदी वाला बुला लिया था, तो उससे बहुत ही आराम से और जल्दी मुझे मेहंदी लगा ली थी और मुझे बहुत जल्दी फ्री हो गई थी ताकि मैं बाकी काम कर सकूँ। और ये मैंने करवा चौथ के 2 दिन पहले ही लगा लिए थी। फिर मैं चली गई थी शाम को मार्केट, क्योंकि मैंने अभी तक अपने लिए बैंगल्स ही नहीं खरीदी थी। तो मार्केट में तो बहुत प्यारी बैंगल्स आई हुई हैं, तो मैंने भी अपने लिए खरीदी और करवा भी मुझे लेना था तो वो भी लिया। और ये है नेक्स्ट डे करवा चौथ वाला दिन, तो ये मेरा आउटफिट है आज का। सो ये है गरारा सूट सेट जो मेरी मैरिज के टाइम का है, जो मैंने आज तक कभी नहीं पहना। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको पहनूँ, ये बिल्कुल झूठा नहीं है। तो मैंने ये लिया और इसके साथ बहुत ब्यूटीफुल सी टैसल्स हैं, एम्ब्रॉयडरी वर्क है और ये ब्यूटीफुल सा दुपट्टा है जो काफ़ी लाइट वेटेड है विद लॉट्स ऑफ लेसेस एंड वर्क। तो ये अब मैंने अपना श्रृंगार कर लिया था, ये मेरी बैंगल सेट है और ये मेरी मेहंदी। तो अब मैं अपनी पूजा की थाली रेडी कर रही हूँ, जिसमें जैसे मैंने मिठाई रखी है, मीठी मट्ठी रखी है, कुछ फ्रूट्स रखे हैं और ये है मेरा मिट्टी का कलश करवा, जिसमें मैंने जल भर दिया था और एक चांदी का सिक्का डाल दिया था। उसके ऊपर मैंने रख दिए थे चावल और उसके ऊपर मैंने रख दिया था दिया। ये जो करवा है ये मैं पूजा के टाइम लेकर जाऊँगी और इसी से मैं चंद्रमा को अर्घ दूँगी। और ये मेरे पास एक और है, इसी से मैं जल को पीऊँगी। गाइज हैप्पी करवा चौथ टू एवरीबॉडी। तो मैं तैयार हो गई हूँ और डेकोरेशन भी पूरी होगी, आपको सब कुछ मैं दिखाती हूँ। मैंने माता की चौकी भी सजा दी है और अभी सब पहुँचने वाले हैं एंड लेट्स सी हाउ इट विल गो। आई रियली होप अच्छा जाए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा उन्होंने ये डेकोरेट किया है, मैंने माता की चौकी भी नीचे लगा दी है। और ये माता की चौकी है जिसमें मैंने अपना करवा रखा है, माता की फ़ोटो है, श्रृंगार है और कुछ मिठाई है और ये जोत का सामान है। तो गाइस हमारी शाम की पूजा हो गई थी, अब चांद निकल आया है। तो यहाँ पे मैं कर रही थी चंद्रमा को अर्घ देने की तैयारी, अपनी दिया और अपनी जो थाली थी उसको मैं रेडी कर रही थी। और तो अब मैं जा रही हूँ चंद्रमा की पूजा करने के लिए। अपना व्रत खोल लिया है तो मुझे अभी हमेशा डिनर के लिए बाहर लेके जाते हैं। तो हमारे जो नेबर फ्रेंड्स हैं, सोसाइटी के फ्रेंड्स हैं, हम सब ने मिलकर डिनर डेट पे हम गए थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत एक यूनिक सी फीलिंग थी, बहुत टाइम बाद हमने गेट टुगेदर किया तो बहुत मज़ेदार था मेरा करवा चौथ। आप लोगों का कैसे था प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।